राजकिशोर जी, क्या कहना है आपका? बसपा को जो झटके दिए गए, सियासी झटके, और जो एक एक नाम हमने गिनाए, वो तमाम वो नाम है जो अपने अपने जिलों में, यूं कहे अपने विधानसभा सीटों पर और आसपास की कुछ सीटों पर प्रभाव जरूर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बड़ा झटका तो है। क्या कहना है आपका? देखिए रोहित जी, एक चीज तो इस पे किसी को असहमति नहीं होगी कि नेता जितने भी हैं बहुत समझदार हैं और दूर की सोचते हैं। जब कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो वो ये जहन में नहीं रखता है कि अगली पार्टी में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ या अपना कद घटाने जा रहा हूँ। हर नेता की एक ही मंशा होती है कि अगली बार कहाँ से मैं विधायक बनूँगा, कहाँ से मैं सांसद बनूँगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने पर आगे का हमारा पॉलिटिकल करियर कहाँ तक जाएगा और हम कहाँ पहुँचेंगे, तो उसकी मेन सोच यही होती है। आज की तारीख में जो बसपा को झटके की बात आप कर रहे हैं जी, बसपा से जितने लोग छोड़ के आ रहे हैं, जैसे आपने वीर सिंह का नाम लिया, लालजी वर्मा का नाम लिया और रामचंद्र राजभर का नाम लिया, ये लोग मुझे यदि ठीक से याद है तो 2 दशक से ज़्यादा समय से बसपा के साथ रहे हैं और बहुत कोर तरीके से उस पार्टी के ये लोग अंग रहे हैं। इसके बावजूद ये लोग छोड़ रहे हैं। बात कही जाती है कि मायावती ने उनको निकाल दिया इसलिए वो चले गए। वो लोग भी कहते हैं हाँ हमको निकाल दिया गया, लेकिन निकालने के बाद उन्होंने अगला ठिकाना जो अपना ढूंढा वो समाजवादी पार्टी को ढूंढा। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी अपने आप इतनी ओवर क्राउडेड है कि वहाँ जाने में लोगों को एक हिचकिचाहट है कि वहाँ जाएंगे तो जो लोग बीजेपी में पहले से हैं 5 साल 10 साल से, वहाँ हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सपा में जाने के पीछे उनको ये है कि पिछले चुनाव में सपा को और बसपा को काफ़ी नुकसान हुआ था और इस बीच बसपा की स्थिति में क्षरण हुआ है और ये 6 विधायक जब गए तो जाहिर सी बात है इनके बसपा में 20 साल रहने से, 2 दशक से ज़्यादा समय से रहने से बहुत सारे संबंध इन लोगों के हैं। ये लोग उन लोगों से बात कर रहे होंगे निश्चित तौर पर और उन लोगों को समझा रहे होंगे कि आपका आगे का पॉलिटिकल करियर कहाँ सुरक्षित। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि बीते 1 महीने के भीतर बसपा से बहुत तेज़ी से लोग शिफ्ट हो रहे हैं सपा की तरफ। और जाहिर सी बात है कि सपा को जिन लोगों की ज़रूरत है, OBC, यत पिछड़े जितने लोग आए हैं, इसमें अपर कास्ट के लोग बहुत कम हैं जी। सारे लोग OBC और मोस्ट OBC उस क्लास से आते हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने मिशन पर है, उसको आसान दिख रहा है बसपा के लोगों को लेना और बसपा के लोगों को ज़्यादा आसान लग रहा है कि अगला ठिकाना हमारे लिए समाजवादी पार्टी हो। बिल्कुल, तो राजकिशोर जी, आपका सीधे तौर पर कहना है कि तमाम नेता अपने लिए सुरक्षित ठिकाना देखते हैं और इनको इस वक्त बसपा से ज्यादा सुरक्षित ठिकाना सपा लग रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं बसपा से।